गुड मॉर्निंग और आप सभी का स्वागत है लाइफ स्ट्रीट के डे 24 में। बाप रे, 24 इतना बड़ा नंबर हो गया है। ऐसा लग रहा है अभी अभी तो मैंने लॉन्ग व्लॉग्स चालू किए थे और 24 दिन हमारे जा भी चुके हैं। खैर, तो आज भी हमारा जो व्लॉग है वो गाड़ी से शुरू इसलिए हो रहा है क्योंकि हमें अभी लंच करने के लिए जाना है। अभी आई गेस एक या 1:30 बज रहे हैं और आज का व्लॉग मैंने 1:30 बजे से शुरू किया है। वो क्या है ना, मैं कल रात को बहुत ज्यादा लेट तो नहीं सोई, 11 बजे सो गई थी, लेकिन 2 दिन से मैं सुबह 6 बजे उठ रही हूँ, इसलिए आज मैं बहुत ज्यादा लेट उठी। लेकिन फिर मुझे पता चलता है कि बड़े मम्मी पापा यहाँ पर आए हैं क्योंकि उनका कोई हेल्थ चेकअप था यहाँ पर, तो उन्होंने बोला है कि आज हम बाहर लंच करने के लिए जाने वाले हैं। और जिस चीज के लिए मैं आप लोगों को पता है कि कभी मना नहीं करने वाली, तो अभी हम फिलहाल लंच करने के लिए जा रहे हैं। और हम पहुंच चुके हैं। पता है इतने दिन से बारिश नहीं आ रही थी, लेकिन पिछले 2 दिन से बहुत ही ज्यादा, मतलब कंटिन्यूसली बारिश ही बारिश आ रही है। मुझे ऐसा लगा था कि बारिश शायद चली गई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बारिश तो अभी आएगी, अच्छा खासा लग रहा है मुझे। और खाना खा के भाई साहब मजा ही आ गया, मतलब एकदम पेट ही भर गया। यहाँ का जो भोजनालय है ना, वहां का मुझे पूरन पोली बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। पता नहीं यू इतनी ज्यादा सॉफ्ट रहती है वो, मस्त एकदम घी डाल के मिलती है, एकदम परफेक्ट। तो आई नो अभी बीच में मैंने थोड़ा सा भी वीडियो नहीं लिया है और आप लोगों को डायरेक्टली तैयार दिख रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि मुझे अभी एक प्रोडक्ट शूट करना था जिसके लिए मैं अभी आप लोगों को रेडी दिख रही हूँ डायरेक्टली। एंड ऑल्सो वो प्रोडक्ट शूट मुझे अभी कर देना है, इसलिए मैं इतना ज्यादा घाई घाई जल्दी जल्दी कर रही हूँ। और आप लोग देखो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कितना सारा पसारा कर दिया है। पता है ये वीडियो शूट करते करते मुझे लगभग 1 घंटा लग ही गया है। आज दिन भर से सिर्फ और सिर्फ बारिश आ रही थी। मैं अभी बड़े मम्मी पापा के साथ लंच पे गई थी, तो वहाँ पर मुझे 3:30 बज गए, घर वापस आते आते मुझे 4 बज गया। और वो जो वीडियो है ना, वो मुझे 3 बजे ही देना था, लेकिन मैं दे नहीं पाई। फटाफट से आई, मैंने शूट किया, एडिट किया, अभी उन्हें वो मतलब प्रोडक्ट शूट जो है मैंने अभी वो उन्हें प्रोवाइड किया है। चलो एनीवे, अभी हमारा वीडियो तो पूरा का पूरा शूट हो चुका है और आज दिन भर से बारिश आने के कारण ना कुछ भी करने की इच्छा नहीं हो रही है। मतलब क्योंकि वैसे तो मैं यूजुअली ज़्यादा बाहर जाती नहीं हूँ, तो वैसे भी हम बाहर नहीं जा सकते अभी, तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ खाने के लिए अच्छा बनाते हैं यार। बट अभी तो हम खाना खा कर आए हैं ना, मैं कितना ज़्यादा खादड़ हो चुकी हूँ। एक्सरसाइज तो हमसे हो नहीं रही, सिर्फ थूसना ही आता है भाई मुझे। एनीवे, फटाफट से ये जो पसारा हमने इतना सारा किया है, पहले इसको साफ़ करते हैं क्योंकि मैंने जस्ट अभी झाड़ू मारा था और फिर से ये पसारा कर दिया। इसको क्लीन करते हैं सारे मेसअप को और फिर देखते हैं कि क्या करना है। मुझे मेरा फ्रिज भी साफ़ करना है। रुको, आप लोगों को हालत दिखाती हूँ फ्रिज की, कितनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। ओके, तो मेरा फ्रिज देखकर आप लोग बिल्कुल भी चौंकना मत, मैं आप लोगों को पहले ही डिस्क्लेमर दे चुकी हूँ। एक्चुअली मैंने ना यहाँ पर ऊपर सोया सॉस रखा था और वो सोया सॉस पूरा पता नहीं कैसे नीचे गिर गया, और मैंने आज सुबह उठकर देखा तो मुझे पता चला कि यहाँ पर पूरा का पूरा सोया सॉस गिर चुका है और फ्रिज मेरा इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है। वहाँ पर भी देखो, वहाँ पर भी सोया सॉस गिरा है। तो अभी ना मुझे पहले फ्रिज साफ़ करना है यार, ये क्योंकि ये बहुत ही गंदा लग रहा है। और पता है आज जब हम बड़े मम्मी पापा के साथ खाना खाने के लिए गए थे ना, तब मेरा एक पार्सल आया था, तब मैं घर पर नहीं थी, तो ये मैंने सामने वाली दीदी के यहाँ पर रखवाया था। लेट्स सी कि इसके अंदर क्या आया है। तो ये रहा हमारा पार्सल, लेट अस सी कि इसके अंदर क्या आया है। तो हमें आया है एक मॉइस्चराइजर और ये क्या है, एक्ने। ओके, ये हमें कोई एक सीरम आया है जिससे एक्नेस कम होते हैं। दूसरी चीज हमें आई है एक अंडर आर्म रोल ऑन, ओके, सनस्क्रीन जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और दूसरी वाली भी सनस्क्रीन ही आई है। उल्टा खोल दिया यार मैंने ये। जैसे पता है मैंने ना एक और चीज मंगाई थी, हमारा ये जो सोफा है इसके लिए कवर, बिकॉज हमारा जो सोफा है वो बहुत ही ज्यादा लाइट कलर का है, रोज गोल्ड कलर का है, तो ये बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। लेकिन वो सोफा कवर आज आने वाला था पर आया नहीं है अभी तक के। लेट सी, मे बी बिकॉज ऑफ बारिश, मे बी शायद उन्होंने इसलिए कल रीशेड्यूल कर दिया वो डिलीवरी। होपफुली वो कल तक के आ जाना चाहिए। एंड ऑल्सो पता है जब भी कोई भी न्यू प्रोडक्ट आते हैं ना, तो मुझे बड़ा ही इंटरेस्ट आता है, क्या बोलते हैं उसको, दिलचस्पी आती है न्यू प्रोडक्ट्स यूज करने के लिए। अगर आप लोगों को भी आती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। ये निकल ही नहीं रहा है। अब आया बाहर। दिस इज अ सनस्क्रीन। वाओ, इसका टेक्सचर अच्छा है बाय द वे।
तो भैया अभी पीआर पैकेज तो मैंने खोल लिया है, लेकिन अभी बताया मुझे बहुत ज्यादा जोरों से भूख लग गई। नो, हम अभी ही खाना खाकर आए हैं 2 वगैरह बजे के करीब, लेकिन अभी बारिश भी आ रही है तो मैंने सोचा कि हम चाय बनाते हैं। तो अभी यार मुझे बड़ा ही मन कर रहा था कि हम चाय पीते हैं, और पता है मैंने ना दूध वाले भैया एक्चुअली उनको मना कर दिया दूध लाने के लिए, क्योंकि अगर दूध हमारे घर में रहता है ना तो हम सिर्फ और सिर्फ चाय ही बनाते रहते हैं, लेकिन आज मेरा बड़ा मन कर रहा है चाय पीने का, तो चलो फिर लेने चलते हैं इस बारिश में दूध। और हमारी जो चाय है वो बनकर हो चुकी है रेडी, और पता नहीं क्यों यहाँ पर टस्किया के मुझे प्यार करने लग गया है। हमेशा मैं बाहर से आती हूँ, तो मैंने आप लोगों को पहले वाले व्लॉग में भी बताया था कि हमेशा जब मैं बाहर से आती हूँ ना, इसको लगता है कि इसके लिए मैं कुछ ना कुछ खाने के लिए लेकर आई हूँ, और अभी मैं उसको रिकॉर्ड करने लगी तो वो भाग गया। उसको पता कैसे चलता है कि मैं उसको रिकॉर्ड कर रही हूँ? टस्की, कैसे पता चलता है तुझे? आजा, क्या चाहिए? और चाय के साथ हम खाने वाले हैं टोस्ट, लेकिन ये खाते खाते ना हम देखेंगे नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स पे याद है मैंने आप लोगों को एक सीरीज बताई थी काला पानी नाम की, जिसके मेरे सिर्फ और सिर्फ 2 ही एपिसोड्स बाकी है, तो वो आज हम पूरे कंप्लीट करने वाले हैं। तो हमारी जो सीरीज है वो मैंने पूरी की पूरी बिंज वॉच कर डाली है, सिर्फ 3 एपिसोड्स बचे हुए थे उसके जो मैंने आज कंप्लीट कर दिए। वैसे टोटली सिर्फ 7 ही एपिसोड्स है, लेकिन एक एक घंटे के बाय द वे, तो एकदम आप बैठ नहीं सकते हो देखने के लिए, कुछ 7-8 घंटे लग जाएंगे आप लोगों को पूरा कंप्लीट करने के लिए। तो आज हमने फाइनली कंप्लीट कर दी, और क्या ही सस्पेंस में छोड़ा है यार, मतलब वेब सीरीज को बहुत ही ज्यादा प्यारी वेब सीरीज है। मैं आप लोगों को जरूर रेकमेंड करूंगी ये वेब सीरीज, जाओ देखो। आई डोंट नो ये 2024 में क्यों पता चल रही है मुझे, 2023 में क्यों नहीं पता चली, क्योंकि ये 2023 की वेब सीरीज है जो मुझे अभी पता चली काला पानी के नाम से, और बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड है यार। आई थिंक कि इसको थोड़ा नाम और मिलना चाहिए था मेरे अकॉर्डिंगली, क्योंकि बहुत ही ज्यादा प्यारी लगी मुझे वेब सीरीज है। तो आप लोग भी जाओ अपने मामा चाची फूफा जिससे भी आप लोगों को भाड़े पर लेना होगा नेटफ्लिक्स, उससे भाड़े पर लो, अपने फ्रेंड से भाड़े पर लो, और ये वेब सीरीज जरूर देखना। वैसे स्पॉइलर तो मैं, बाबू यार लाइट से हट, मेरे मुंह पर लाइट भी नहीं आ रही है। तो आज का जो ब्लॉग है हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो डू हिट द लाइक बटन, कमेंट जरूर करना, शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हम मिलते हैं हमारे कल के ब्लॉग में।